ओके बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी को कंटिन्यू कर रहे थे, बीच में हमारा वीडियो कट हुआ था, तो अब हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने बताया था कि मैंने बता दिया था कि 1996 में बीजेपी की सरकार बनी बच्चों, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। यहां तक मैंने पिछला वीडियो बता दिया था कि कांग्रेस ने जब रूल करना स्टार्ट किया तो 1996 में बेटे तक कांग्रेस ने रूल किया 1991 से। इसका पिछला पार्ट मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा पढ़ा चुका हूँ। 1996 में बीजेपी की सरकार बनी, 1996 में बच्चों बीजेपी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन बच्चों ये गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी पीएम जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। मैं आपको बता दूं बच्चों, बीपी सिंह पीएम बने थे जो कि जनता दल से बने थे, बीपी सिंह पीएम बने जो कि जनता दल से अलग थे, और इसके पहले मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह बने थे। लेकिन ये सब पहले इनका नाता कांग्रेस से था, पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से अलग होकर के धीरे धीरे करके आए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे पीएम थे जिनका भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसका कांग्रेस से कोई नाता नहीं थी, नहीं कांग्रेस में कभी नहीं रहे, तो पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनने वाले बंदे बने अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में। लेकिन बच्चों 1996 में ये मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए, इस वजह से 13 डेज के पीएम बने, और 13 डेज के अंदर सबसे कम दिन के पीएम इंडिया के, और 13 डेज के अंदर इन्हें रिजाइन कर देना पड़ा। क्यों रिजाइन कर देना पड़ा? क्योंकि मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाए इन द लोकसभा। इसके बाद बच्चों फिर तीसरे मोर्चे की सरकार बनी और मिस्टर एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने 1996 से 1997 तक। 1997 से मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल बने 1998 तक, एक साल के लिए। फिर इसके बाद बच्चों मिड टर्म इलेक्शन हुए 1998 में और उस समय बेटे भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाया, भारतीय बिना कांग्रेस के सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1999 में बच्चों क्या हुआ कि जयललिता ने सरकार जो सरकार की एक सपोर्टिव कुलजिन गवर्नमेंट का एक हिस्सा थी, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया और सरकार गिरा दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि 1999 में फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 1999 में बच्चों। 1999 में फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए और फिर से बीजेपी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये भी गैर कांग्रेसी सरकार थी, और मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, तो इस तरीके से 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। और 1999 के बाद 2004 तक रहे, 2004 में इलेक्शन हुए, फिर बच्चों कांग्रेस रीबैक होकर के आई, कांग्रेस फिर से रीबैक हुई 2004 में और कांग्रेस की सरकार बनी और मिस्टर मनमोहन सिंह पीएम बने। मनमोहन सिंह अभी आप लोग जानते रहे होंगे, जानते होंगे इनका नाम, मनमोहन सिंह इंडिया के पीएम बने बच्चों, और वो 2009 तक रहे। 2009 में फिर जनरल इलेक्शन हुए 2009 में फिर कांग्रेस ही रही, 2009 में फिर कांग्रेस रिटर्न बैक हुई और कांग्रेस की बच्चों का सरकार बनाई, और कौन बने? पीएम मनमोहन सिंह ही आए थे, पीएम कंटिन्यू रहे 2014 तक, और 2014 को पीछे बीजेपी ने फिर सरकार बनाया और मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इंडिया के पीएम बने। कब तक रहे? 2019 में बच्चों फिर से इलेक्शन हुए और फिर से बीजेपी जीती और कांग्रेस की सरकार होती और फिर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर से इंडिया के पीएम बने। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फ्रॉम 1946 से जब पीएम बनना स्टार्ट हुआ, 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन अटल जवाहरलाल नेहरू को बेटा 1946 में ही पीएम बना दिया गया था। तो 1946 से लेकर के 2020 तक बेटे लगभग ये 73 ईयर्स का जो टाइम पीरियड आता है उसमें केवल लगभग हम 14 ईयर ही देखते हैं कि दूसरे पार्टी की सरकार बनी, बाकी कांग्रेस ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल किया। बेटे मैं बता दूं 1978 में पहली बार कांग्रेस पावर से बाहर हुई थी और मिस्टर मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे लगभग एक साल के लिए, फिर कुछ महीनों के लिए मिस्टर चौधरी चरण सिंह, तो दो साल वो मान लेते हैं, 1978, 79, 80, दो ढाई साल वो मान लेते हैं 80 तक, और 80 के बाद फिर बच्चों दूसरी बार कांग्रेस बाहर होती है पावर से 1989 में जब जनता दल की सरकार बनती है। 11 महीने पीएम रहते हैं बच्चों क्या नाम से अटल बीपी सिंह, और कुछ दिन तक रहते हैं चंद्रशेखर, और फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, फिर कांग्रेस के हाथ में पावर आ जाती है। तो टोटल मिला के 3 साल, 3.5 साल वो हुए,
और इसके बाद बच्चों क्या कहते हैं फिर 1998 में 1996 में क्या कहते हैं फिर से कांग्रेस बाहर होती है दो साल के लिए, जिसमें तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है और मिस्टर एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र एचडी देवगौड़ा नरेंद्र कुमार गुजराल एक एक साल के लिए लगभग पीएम बनते हैं, तो दो साल ये मान लेते हैं पांच साल। और इसके बाद बच्चों फिर 1998 में बीजेपी की सरकार बनती है 1999 तक एक साल ये मान लेते हैं तो सिक्स ईयर। और इसके बाद 1999 से 2004 तक ही बीजेपी की सरकार रहती है, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम रहते हैं तो पांच साल वो मान लेते हैं तो 96 11 ईयर। और इधर छह साल आपके ये मोदी जी बन जाते हैं, छह साल करीब हो रहे हैं तो पांच छह साल ये तो लगभग मान सकते हैं 15 साल मान लेते हैं दूसरे गवर्नमेंट की दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, वरना 1946 से लेकर के 1970 तक लगातार लगभग 65 से 70 साल के करीब कांग्रेसी ने इंडिया में रूल किया, सॉरी 60 ईयर लगभग 58 ईयर मान लेते हैं 58 ईयर कांग्रेस ने ही इंडिया में रूल किया है। तो इस तरीके से कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी के रूप में हमेशा रही है इन टाइम पीरियड को छोड़ दिया जाए तो। अब बच्चे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कांग्रेस की प्रेसिडेंट मिसेस सोनिया गांधी है। मैं आपको बता दूं बेटा सोनिया गांधी इसके पहले 1998 में सोनिया गांधी इंडिया मतलब कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। बच्चों कब बनती है 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की पीएम प्रेसिडेंट बनती है। और कब तक बेटे 2017 तक सबसे ज्यादा लगातार कंटिन्यूअस वो 2017 तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी रही, यानी कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का रिकॉर्ड मिसेस सोनिया गांधी जी के नाम है। अब मिसेस सोनिया गांधी जी के नाम है 1998 से 2017 तक लगभग वो 21 साल तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट कंटिन्यू बनी रही हैं। और फिर 2017 में उन्होंने रिजाइन किया और उनके लड़के मिस्टर क्या नाम राहुल गांधी बेटे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और वो 2019 तक रहे, लेकिन 2019 में चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने अपनी मॉरल जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और फिर से अंतरिम प्रेसिडेंट 2019 में अब तक सोनिया गांधी अभी तक अंतरिम पीएम के रूप में सॉरी अंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के रूप में वो कार्यभार संभाल रही। अंतरिम मतलब होता है बेटा जब तक नया कोई सिस्टम जब तक नया प्रेसिडेंट ना आ जाए तब तक जिम्मेदारी संभालने को अंतरिम जिम्मेदारी कहते हैं, अंतरिम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, तो वो संभाल रही है सोनिया गांधी जी। तो इस तरीके से कांग्रेस का इतिहास रहा। कांग्रेस के बेटे कुछ एजेंडा है इंपॉर्टेंट होता है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो बेटा होता है वो पा होता है हाथ का कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल है जो कि नेशनल पार्टी है। इस वजह से किसी भी दूसरी पार्टी का मैंने बताया था किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल किसी दूसरी पार्टी को अलॉट नहीं किया जा सकता, किसी भी दूसरी पार्टी को ये सिंबल अलॉट नहीं किया जा सकता। ये हाथ का पा बेटा ये याद रखना, हर पार्टी के बारे में बताऊंगा, हर पार्टी के सिंबल जब आपको एक्सप्लेन करना तो बनाते जाना। तो ये बेटे आगे कहते हैं ये पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और इसके बाद बेटे कांग्रेस पार्टी की कुछ इलेक्शन एजेंडा है। पहली चीज बेटा क्रिएशन ऑफ मोर जॉब ये एजेंडा है, ज्यादा ज्यादा जॉब क्रिएट करना, ज्यादा ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना कांग्रेस का पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा बच्चों है कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है बच्चों की कम से कम 1/3 सीट्स ऑफ लोकसभा एंड डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व फॉर वोमेन के लिए, किसके लिए बच्चों वोमेन के लिए रिजर्व करना, कितनी सीट 1/3 सीट वोमेन्स के लिए रिजर्व करना और वोमेन के लिए रिजर्व करना। और उसके बाद तीसरा बच्चों एजेंडा है एग्रीकल्चर पर खास फोकस करना, वेरी मच टू फोकस द मतलब एक बैकबोन बना के रखना एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए विशेष वर्क करना। और चौथा एजेंडा जो बच्चों कांग्रेस का है, फोर्थ एजेंडा ऑफ द कांग्रेस इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट खासकर जैसे अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय सिक्किम इनके बेटरमेंट के लिए इनके स्पेशल केयर के लिए ध्यान रखना। ये बेटे चार एजेंडा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला एम्प्लॉयमेंट ऑफ ज्यादा ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट करना मतलब क्रिएशन ऑफ द मोर जॉब्स, दूसरा जो आगे कहते हैं 1/3 सीट रिजर्वेशन फॉर द वोमेन्स एंड लोकसभा सीट, एंड इसके बाद फिर बच्चों तीसरा मेन है कि हमको एग्रीकल्चर पर खासकर फोकस रखना है, किसानों को बेटरमेंट के लिए खासकर ध्यान देना है। और चौथा आप लोगों का है बच्चों कि ईस्टर्न स्टेट जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश मेघालय सिक्किम त्रिपुरा इनकी बेटरमेंट के लिए विशेष वर्क करना, उनको विशेष ध्यान रखना।
इस तरीके से बच्चों ये मेरे वीडियो का एक दूसरा हिस्सा है। अब मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बीजेपी पढ़ाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली है कि एग्रीकल्चर के नोट्स बेटा मैं आज सबके सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे 1:30 बजे के बाद सारे ग्रुप में डाल दूंगा। जिन जिन क्लासेज में मैं पढ़ाता हूँ आप लोग ध्यान से उन्हें नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।